और सबको मिला है मुंगेर से, तवांग से लाया था खुद के लिए, बट उनको गिफ्ट दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिल करके। सबसे बड़ी बात है कि हमारे में दो चीज़ कॉमन है, एक तो जब मन किया बाइक पे आ जाते हैं, जब मन किया रोड पे आ जाते हैं। तो दोस्तों सब कुछ पैक हो गया है और हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। अब चल रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट गुवाहाटी चलते हैं। बस पकड़ के जाना पड़ा क्योंकि हम लोग का थोड़ा चोट लग गया था, गिरा था पिछले वीडियो में देखा ही, और आपके विकास भैया का भी आर्म में चोट लगा है, सो दिक्कत है। और ट्रिप को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि भाई सब ने बोला, अरुणाचल में भी बोला था कि गलत मौसम में आ गए, गलत सीजन में आ गए, तो हमें भी लगा यार। सो पेमा लेन होटल का नाम है और ये उनके ऑनर हैं होटल के। सो मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ और बोर्ड भी दिखा देता हूँ। तो भैया काफ़ी हेल्पफुल है, अच्छे इंसान है, आपको सपोर्ट भी करेगा। सो दोस्तों सबसे पहले आप रूम में एंटर करोगे, सामने एक मिरर आएगा, एक टीवी आएगा, एक टेबल आएगा और एक टेबल यहाँ पे आएगा जिसमें आपको हीटर लगा रहेगा, डबल बेड है एक। बाय भैया, बाय। सो ठीक है, चलो यहाँ से हमें नेफा जाना है और वहाँ से बस पक मिलेगा, तो चलते हैं। सो गाइस देख सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ऊपर में, होटल पेमालिन है, पेमालिंग। सो हम लोग पेमालिंग होटल में ही ठहरे हुए थे, अब यहाँ से चलते हैं, बस लेते हैं, बस में मिलते हैं। बस में हम लोग बैठ चुके हैं और ये 11:30 को खुलेगी और गुवाहाटी कल सुबह मॉर्निंग में पहुँचेंगे। सो ट्रिप ख़त्म हो रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन कंटिन्यू करेंगे, है ना विकास भैया? सो भाई पोस्टपोन कर रहे हैं बस, चलो ठीक है। सो दोस्तों अभी तवांग से हम लोग 30 किलोमीटर आगे चले हैं और एक प्यारा सा जगह पे रुका है खाना खाने के लिए, देखिए प्यारा सा जगह भाई, ये है प्यारा सा जगह, खूबसूरत सा जगह। अब यहाँ से चलते हैं और गुवाहाटी तक जाना है, तो देखो गुवाहाटी का पहुँचते 500 कुछ किलोमीटर है, तो बहुत प्यारे जगह पे है और चलते हैं अब। सो दोस्तों फाइनली हम गुवाहाटी पहुँच चुके हैं और यार टिकट तो मेरा 19 तारीख को था, 19 अप्रैल को, बट यार मिलना है अपने ब्लॉग से, अपने आप लोग तो जानते ही होंगे। सो उनका गया में मीटअप होने वाला है और मीटअप है 19 अप्रैल को, सो इसलिए हमें हड़बड़ में जाना पड़ रहा है। और आपको तो पता है कि हमने ट्रिप को पोस्टपोन कर दिया, पोस्टपोन करने का कारण ये रहा कि बारिश हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी मतलब मौसम ख़राब है। गुवाहाटी में देखो धूप से जा रहे हैं, अरुणाचल में देख रहे हो बारिश से भींग रहे थे, नागालैंड जाने वाले थे बट ट्रिप को थोड़ा सा डिले कर दिया है। जाएंगे जरूर करेंगे, अभी बाकी 6 स्टेट भी करेंगे बट अभी थोड़ा उसमें टाइम है। सो है प्लान है, बड़ा ट्रिप का प्लान है, करेंगे ट्रिप और वो ड्रीम राइड है, जैसा कि आपने बताया था सब एक बार ड्रीम राइड होता है, तो ड्रीम राइड होगा वो भी बाइक से, तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि कहाँ कहाँ राइड करने के लिए बोल रहा हूँ। सो ठीक है, बने रहो ब्लॉग में और हम चलते हैं। गुवाहाटी जंक्शन पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर मुंबई LTT एक्सप्रेस आएगी जो कि पटना हमें 2 बजे लमसम उतारेगी, उसके बाद फिर हम गया जाएंगे और गया हम मिलेंगे अपने ब्लॉग से, अपने ब्लॉग का मीटअप है 19 अप्रैल को। सो ठीक है चलते हैं, हम भी एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। सो और ट्रेन आती है तो अपडेट करता हूँ, और ट्रेन यहाँ से 4:55 में है, बट TT से टिकट बनवाना पड़ा यार, फ़ाइन देना पड़ा, मतलब 270 रुपये फेयर और वही टोटल जो फाइन लगा के 520 रुपये होता है, वही 520 रुपये लग गया अगर रिजर्वेशन मेरा किया हुआ था तो। है यार कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, तो वही सब है, तो बने रहो ब्लॉग में। पैसे नहीं देंगे, खुला देंगे, की रखोगी? चलो देखो भैया चप्पल पड़ा, इसको खीरा खिला के लाते हैं, खीरा खाओगी? हाँ भाई इसको खीरा दो, ये खीरा दो ना इस पर काट के, हम पैसा देगा ना, दो ना सुलेशन पी हो क्या? हाँ सुलेशन पी है ना, मर जाओगे ठीक है ना। आप देख सकते हो मैं ये सीट ले लिया हूँ जिसमें सामान रखा जाता है, बट सफ़र लंबा है इसलिए भाई पहले से बुक कर लिया है, मतलब बुक पैसे से नहीं भाई, बैठ करके बुक कर लिया है। और ये भाई भी बिहार से, क्या नाम है? राजकमल। राजकमल। तो फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन चल पड़ी है और नेक्स्ट स्टॉपेज अभी कामाख्या स्टेशन है और गुवाहाटी में चल पड़ी है, तो देखो इस टाइप से कुछ है। तो चलो 20 घंटे का सफ़र होने वाला है और देखते हैं पटना कब तक पहुंचते हैं, आप
दो बजे के शाम को करीब करीब हम लोग पहुँचेंगे पटना, और उसके बाद फिर चलेंगे गया। और गया में तो आपको पता है कौन आने वाले हैं, तो सफ़र काफ़ी लंबा हो चुका है। और पता होना चाहिए आपको कि घर से निकले हुए हमें 40 दिन हो चुके हैं आज, और काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ नए नए लोग से मिले, काफ़ी अच्छा लगा। तो ट्रेवलिंग का तो एक अपना मज़ा है। सो ये आ गया हमारे कामाख्या जंक्शन। तो देखिए कामाख्या जंक्शन कुछ इस टाइप का है। हंसराज। तो ये कटिहार से है ना? हाँ, समस्तीपुर। अच्छा, समस्तीपुर से है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से है, और हम गया डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो देखिए कामाख्या जंक्शन कुछ इस टाइप से है, और एक ट्रेन आ रही है भाई सिलीगुड़ी करके। देख सकते हो पटना पहुंच चुके हैं, और ये रहा पटना हनुमान मंदिर, और ये पटना जंक्शन। और टेम्परेचर की वजह से ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्रेन फटने वाला है भाई। सडनली मतलब समझ सकते हो 4 डिग्री या 5 डिग्री टेम्परेचर के बाद सीधे 36-35 डिग्री टेम्परेचर में आना कितना मुश्किल होता है। सो बहुत दिक्कत हो रहा है, लग रहा है कि लू लग जाएगा ऐसा। बट कोई नहीं, चलते हैं गया का टिकट लेते हैं। टिकट हमारे पास पटना का ही था, और गया का टिकट लेकर के हम लोग चलते हैं। सो गाइस हमारी ट्रेन खुल चुकी है, और ये पटना से 2:30 बजे थी, और गया लमसम जाएंगे 5:30-5:30 तक। तो चलो फिर मिलते हैं गया में, रास्ते का व्यू क्या दिखाएँ। तो देख सकते हो ट्रेन खुल चुकी है, ठीक है चलो फिर मिलते हैं गया में। सो गाइस हम गया उतर चुके हैं, और मास्क लगा लिए क्योंकि हम मास्क लगाना ज़रूरी था ब्रिज पे, चेक इन अभियान चल रहा था। सो उतर चुके हैं और चलते हैं भैया के पास। एक भैया है मेरे रूम पे, बट वो कैमरे में नहीं आएंगे। और अभिनव ब्लॉग का जो मीटअप है वो कल मिलेंगे हम आपसे, यानी 19 अप्रैल को। तो ठीक है, बने रहो ब्लॉग में। सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? हम सब बढ़िया हैं, और आप देख रहे हैं कि हम गया में पहुंच चुके हैं, और हम जा रहे हैं अभिनव ब्लॉग से मिलने। वो वाराणसी के लिए निकलेंगे गया से, सो 7:30 को वो आएंगे सिकड़िया मोड़ पे। तो सिकड़िया मोड़ पे हम लोग चलते हैं, अभी 6:30 हो रहा है, तो वेट करेंगे 1 घंटे और मिलेंगे उनसे, और आप लोग को मिलाएंगे। सिकड़िया मोड़ पे पहुंच चुके हैं, और ये है पिंकू, आप तो इनको जानते होंगे। सो ये देखो सामने में सिकड़िया मोड़, और 7:30 को अभिनव जी यहीं पे आने वाले हैं, तो मिलेंगे, आपको भी मिलवाएंगे, और फिर घर चला जाऊंगा। थोड़ा बाइक में भी काम करवाना है, क्योंकि लंबी राइड की तैयारी चल रही है, तो देखना पड़ेगा थोड़ा। सो देखते हैं कितना बजे तक आते हैं, आधे घंटा यहाँ पर रहेंगे। जस्ट अभी अपडेट किया उन्होंने इंस्टा पे कि 7:30 को आऊँगा और 8 को निकल जाऊँगा। वो 12 नसी जाएँगे शायद, 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। तो ठीक है, और भाई लोग भी बहुत दूर से आए हैं। आपका नाम? प्रतीक कुमार। फेस तो दिखा दीजिए, मास्क क्या जरूरी है ना? विपुल, विपुल विद्यार्थी। और आपका? मुंगेर शर्मा। और सबको मिलने आए हैं मुंगेर से ना? और सबको मिलने आए हैं मुंगेर से, खास करके अभिनव ब्लॉग से। सो है यार फैन इतने बड़े बड़े हैं, तो मिलने आए हैं, हम भी मिलने आए हैं। तो इन्होंने बोला कि अभिनव ब्लॉग से मिलना है, तो मिला। हाँ तो मिलते हैं, और आप लोगों को भी मिलवाते हैं, तो बने रहिए चैनल पे। अभिनव भैया आ चुके हैं, और देखिए क्या हाल चाल। बहुत शो दोस्तों, कुछ लाया तो नहीं अभिनव के लिए, अभिनव सर के लिए, लेकिन एक तवांग से लाया था खुद के लिए, बट उनको गिफ्ट दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
रवि भाई का दुकान से जाम के लाए थे। और बताइए। सो दोस्तों अभिनव सर से मिल लिया है और काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा फोटो। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिल करके। सबसे बड़ी बात है कि हमारे में दो चीज़ कॉमन है, एक तो जब मन किया बाइक पे आ जाते हैं, जब मन किया रोड पे आ जाते हैं। अच्छा लगा। और बाइक के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो देखना, सभी लोग मेहनत करते हैं तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वीडियो देखना अच्छा लगे, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना यार। हमारी धनु को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अभिनव बैठे हैं हमारे बाइक पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो राइड हार्ड राइड सेफ। ये अनूप भाई हैं और ये गया के ही हैं। और आप अपना चैनल का नाम बताइए। भाई चैनल का नाम मेरा अनूप प्रकाश है, मोटो ब्लॉगर। मोटो ब्लॉगर या अनूप प्रकाश। कहाँ पर रहते हैं? ये तो 88 पड़ते हैं। ओके, अभी से ज़्यादा नहीं है ना। अपना भैया जा रहे हैं और एक बार जयकारा लगा के नमो पार्वती पते हर हर चले गए और काफ़ी ज़्यादा टाइम दिए, काफ़ी अच्छा लगा। भाई लोग से पूछते हैं कैसे लगे आपका भैया? बहुत अच्छा था। वो देख के मोटिवेट, कम से कम अगले राइड के लिए हम लोग भी मोटिवेट हैं कि इस बार कोई ना कोई राइड अपना कंफर्म करना है, करना चाहिए और करो। तो ठीक है, हम भी चलते हैं। शो गाइज मिलना हो गया अभिनव भाई से, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं और ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। और आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो जो है हिचहाइकिंग करके हम नॉर्थ ईस्ट पर गए थे तो वो ब्लॉग अभी हो चुका है। अब नेक्स्ट राइड का प्लान करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे अभिनव भाई का स्टिकर लग गया है। तो चलो फिर चलते हैं और ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।